हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का सलूशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 2.2 का 1 से 10 तक कर दिए थे। आज का वीडियो में हम लोग 11 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी व्यूअर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज़रूर कमेंट में ये बताएं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से देख रहे हैं। वैसा स्टूडेंट जो रेगुलर मेरे वीडियो को पूरा पूरा देख रहे हैं, इससे उनको भी पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट देख रहा है और कितना सीरियस स्टूडेंट है, जिससे मैं उनके लिए और बेहतरीन प्रयास करूँगा। तो चलते हैं, पहला यानी 11 नंबर आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि टैन इनवर्स पर ऊपर देख लीजिए, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास बुक हो तो बुक में देख लीजिएगा, ऐसा ही होगा। ऊपर 11 नंबर में कहता है टैन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए टैन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स, सबसे पहले पीछे से सॉल्व करेंगे, यानी इसको पहले करेंगे। साइन इनवर्स 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, मतलब 1/2 के जगह पे साइन पाई बाई 6 हम लोग लिख सकते हैं। फिर देखिए टैन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। अब देखिए टैन इनवर्स 2 cos 2 से कैंसिल 3, यानी 2 cos π/3। अब देखिए टैन इनवर्स 2 cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री, और cos 60 का मान होता है आपका 1/2, cos π/3 के जगह पे 1/2 हम लोग रख दिए, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी टैन इनवर्स इसका वैल्यू 1 हो गया। अब 1 का मतलब टैन इनवर्स टैन में 45 डिग्री का मान होता है, यानी टैन पाई बाई 4, और टैन इनवर्स टैन पाई बाई 4 का पाई बाई, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर कॉट टू टैन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का मान क्या होगा। बहुत इजी प्रश्न है। देखिए कॉट आपको एक प्रॉपर्टी पर आते थे, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो यहाँ एक्स, तो यहाँ भी एक्स, तब होगा पाई बाई 2। देखिए तो टैन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए के जगह पे हम लोग पाई बाई 2 लिख सकते हैं, और कॉट पाई बाई 2 का वैल्यू आपका 0 होगा, ये आंसर हो गया। अब देखेंगे 13 नंबर प्रश्न। 13 में कहता है टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² / 1 + y² का मान ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिए, देखिए टेन 1/2। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये एक फार्मूला सेट हो रहा है, ये भी एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला, तो ध्यान से देखिए, हम आपको पढ़ाए थे 2 tan inverse x का फार्मूला साइन में, तो साइन इनवर्स 2x/1 + x² अगर 2 tan inverse x का कॉस में पूछे तो कॉस इनवर्स 1 - x² + 1 / 1 + x² अगर टेन में पूछे तो टेन इनवर्स 2x/1 - x² तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो देखिए साइन इनवर्स 2x/1 + x² साइन इनवर्स 2x/1 + x² के जगह पे हम लोग 2 tan inverse x लिख सकते हैं प्लस। देखिए कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² के जगह पे 2 tan inverse x लिख सकते हैं, तो कॉस इनवर्स 1 - y² / 1 + y² के जगह पे हम लोग 2 tan inverse y लिख सकते हैं। अब देखिए टेन 1/2, यहाँ 2 अब कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब यहाँ पे आ गया टेन,
अब देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर आपका आ गया पाई बाई टू, मतलब टेन नब्बे, और टेन नब्बे का मान अनडिफाइन यानी अपरिभाषित, तह ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद है कि यह तीनों प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग जरूर लाइक करें और कमेंट जरूर करें। फिर देखते हैं, हम लोग 13 नंबर प्रश्न देख लिया, अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न है कि यदि साइन टू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, तो यहाँ एक्स का मान हमको ज्ञात करना, ये हमको गिवन कंडीशन। तो देखिए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये साइन को हम लोग इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये साइन इधर आया तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 1। अब ध्यान दीजिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/x साइन इनवर्स 1। देखिए साइन इनवर्स 1 के जगह पे हम लोग साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। तो ध्यान से देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर आपका हो गया थीटा पाई बाई 2। तो यहाँ से देखिएगा साइन इनवर्स 1/5 इस कॉस इनवर्स एक्स को उधर भेज दीजिए तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 बराबर, ध्यान से देखिए एक फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या पाई बाई 2, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर साइन इनवर्स एक्स का केवल निकालें तो क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बन गया साइन इनवर्स एक्स। अब देख लीजिए इधर साइन इनवर्स इक्वल है, कंपेयर कीजिए तो एक्स का मान 1/5। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है 15 नंबर प्रश्न। इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। देखिए यदि टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/(x-2) प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/(x+2) बराबर पाई बाई 4, तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो देखिए गिवन है टेन इनवर्स x-1 x-2 टेन इनवर्स x+1 x+2 बराबर पाई बाई 4। अब इसको हमको सॉल्व करके x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले टेन इनवर्स x, इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला यहाँ पे बैठ रहा है। तो टेन इनवर्स x प्लस फार्मूला आपको पूरा याद करना पड़ेगा। देखिए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1-xy। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टेन इनवर्स x, x के जगह पे x-1 x-2 x प्लस y, ये टेन इनवर्स x प्लस y टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1-x इंटू y बराबर पाई बाई 4। अब देखिए ये टेन इनवर्स इधर आ जाएगा तो टेन बन जाएगा। अब देखिए x-2 और x+2 इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा x-2 इंटू x+2। x-2 से x-2 कैंसिल तो बचेगा x+2 को x-1 से इंटू करेंगे तो x-1 इंटू x+2 प्लस x+2 से x+2 कैंसिल तो x-2 बचेगा को गुना करेंगे x+1 से, ये ऊपर वाला का हुआ बटा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा 1-x-1 इंटू x+2 तो ये बन जाएगा x²-1, और देखिए a-b इंटू a+b तो ये बन जाएगा x²-b² तो 2 का स्क्वायर 4 बराबर,
ये टेन इनवर्स इधर आएगा तो ये आपका बन जाएगा टेन पाई बाई फोर। ध्यान से देखिए, हमने इसको सॉल्व करके ये बनाया, ये टेन इनवर्स इधर आया तो टेन पाई बाई फोर। अब देखिए अब x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू में इंटू करेंगे तो देखिए x में x से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स में टू से करेंगे तो टू एक्स, माइनस वन में x करेंगे तो माइनस एक्स या माइनस टू, फिर x में x से एक्स स्क्वायर, एक्स में वन से x माइनस टू एक्स माइनस टू बटा, देखिए x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू तो ये भी एक्स स्क्वायर माइनस फोर हो जाएगा, ये भी सॉरी चलो बाद में ही करते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा, एक्स प्लस टू। अब देखिए इसके नीचे वन तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस फोर बराबर टेन पाई बाई फोर वन। ध्यान से देखिए ये पूरा टर्म और ये कैंसिल हो रहा है क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फोर होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर होगा। अब उसके बाद ध्यान से देखिए हम लोग, देखिए एक्स स्क्वायर ऊपर लिख देंगे टू एक्स स्क्वायर, अब देखिए प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल तो अब बच गया माइनस टू माइनस फोर बटा नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन बराबर वन। अब ये इससे ये कैंसिल तो यहाँ पे हम लोग का आ गया देखिए टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बराबर, देखिए माइनस फोर प्लस वन माइनस तीन बराबर वन, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर ये हो जाएगा माइनस तीन। अब टू एक्स स्क्वायर माइनस तीन माइनस इधर का तो प्लस फोर, तो ध्यान से देखिए टू एक्स स्क्वायर बराबर चार में से एक तीन गया एक, तो एक्स स्क्वायर बराबर वन बाई टू, एक्स बराबर प्लस माइनस वन बाई रूट टू आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, इसको थोड़ा सा बारीकी से बस जो भी है ये कैलकुलेशन है इसको सही से आप कर लेंगे तो यह प्रश्न आपका बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर प्रश्न, साइन वर्स साइन टू पाई बाई थ्री का वैल्यू क्या होगा। इस टाइप का हम लोग ने शुरू में बहुत से प्रश्न बनाए हैं तो ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए साइन वर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है एक्स, ध्यान से देखिए, और ये एक्स जो है वो क्या होना चाहिए रेंज में होना चाहिए रेंज। अब साइन वर्स है तो साइन वर्स का माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है, माइनस नब्बे से नब्बे। अब देखिए यहाँ पर टू पाई बाई थ्री है मतलब 120 डिग्री है जो माइनस नब्बे और नब्बे के बीच में नहीं आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं गलती कि साइन वर्स साइन एक्स बराबर एक्स कर देते हैं मतलब टू पाई बाई थ्री कर देते हैं जो कि गलत है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए साइन वर्स साइन टू पाई बाई थ्री है तो देखिए साइन वर्स साइन टू पाई बाई थ्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री को तोड़ दिए पाई माइनस पाई बाई थ्री क्योंकि थ्री पाई में से पाई आएगा टू पाई बाई थ्री। अब देखिए साइन वर्स साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा मतलब साइन पाई बाई थ्री। अब देखिए साइन वर्स साइन एक्स बराबर ये पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री माइनस नब्बे और नब्बे के बीच में आ रहा है इसलिए आपका आंसर पाई बाई थ्री हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर टू पाई बाई थ्री करते हैं जो कि गलत है, आपको रेंज देखना पड़ेगा। अब अगला है 17 नंबर प्रश्न, टेन वर्स टेन थ्री पाई बाई फोर, देखिए टेन वर्स का रेंज होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू स्मॉल ब्रैकेट में, तो यहाँ थ्री पाई बाई फोर है मतलब 45 या 135 डिग्री है लेकिन इसके रेंज में नहीं है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे टेन वर्स टेन थ्री पाई बाई फोर है इसको हम लोग टेन अगर हम तोड़ेंगे इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई फोर, टेन पाई माइनस पाई बाई फोर इसको तोड़ दिए थ्री पाई बाई फोर को, तो यहाँ से टेन वर्स देखिए टेन पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए टेन वर्स
इस माइनस को हम लोग अंदर कर सकते हैं टेन में, केवल कॉस में नहीं होगा। अब देखिए टेन वर्स टेन एक्स बराबर एक्स माइनस पाई बाई फोर आंसर। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता क्या है कि टेन साइन वर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसमें जैसे यहाँ टेन है, यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ कॉट इनवर्स है, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे बना सकते। देखिए टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टैन ए प्लस टैन बी बटा वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी। तो देखिए टैन ए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा टैन ए मतलब साइन वर्स 3/5 प्लस टैन बी, तो टैन बी के जगह पे कॉट इनवर्स 3/2 बटा 1 माइनस टैन ए, टैन टैन ए तो ए मतलब साइन इनवर्स 3/5 इंटू टैन बी मतलब कॉट इनवर्स माइनस 3/2। अब देखिए ध्यान से टैन, ये साइन इनवर्स 3/5 है, देखिए लंब और ये कर्ण, अगर लंब 3 है और कर्ण 5 है तो आपका आधार 4 होगा। तो इस साइन इनवर्स को हम लोग टेन इनवर्स में डायरेक्ट बदल देंगे, तो टेन इनवर्स होता है लंब बटा आधार, तो लंब 3 और आधार इसमें 4 हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स 3/5 बदल गया टेन इनवर्स 3/4 में, ये आप बदल भी सकते हैं अलग। देखिए टेन कॉट इनवर्स 3/2 है, इसको टेन में बदलेंगे तो टेन इनवर्स 2/ आपका 3 हो जाएगा बटा 1 माइनस टेन, और साइन इनवर्स 3/5 उसको टेन में लिखेंगे तो टेन इनवर्स 3/4 प्लस इंटू टेन कॉट इनवर्स 3/2 है तो इसको लिखेंगे टेन इनवर्स 2/3। ध्यान से देखिए अब टेन टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स 3/4 टेन इनवर्स टेन टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स मतलब 2/3 बटा 1 माइनस 3/4 टू 2/3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, अब ऊपर 4 तिया 12 एलसीएम, 4 तिया 3 तिया 9, ये आपको सॉल्व कर लेना है, 3 चौक 12 4 दुना 8 और नीचे 1 माइनस 1/2 9 8 17/12 ये 2 एकम 2 में से एक गया 1/2 मतलब 17/12 तो 2 2 6 12 मतलब 17/2 आपका 6 आंसर हो गया। इस प्रश्न का आंसर है 17/6। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 19 नंबर है, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। ध्यान से देखिए कॉस का, कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से π 0 से 180, तो यहाँ पे पाई बाई 6 30 यानी 210 डिग्री है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। देखिए कॉस 7π/6 को ले सकते हैं कॉस पाई प्लस पाई बाई 6। ध्यान से देखिए कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा बराबर अब होता है कॉस थीटा, और कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स मतलब पाई बाई 6 आपका ऑप्शन हो जाएगा सही डी। अब नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव है आपका एनसीईआरटी का, कि साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, देखिए साइन पाई बाई 3, देखिए आप लोग को एक फार्मूला पढ़ा थे साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ध्यान से पाई बाई 3 देखिए माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए साइन पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2 का मतलब 30 डिग्री मतलब साइन पाई बाई 6। देखिए साइन
पाई बाई थ्री साइन वर्स साइन एक्स बराबर एक्स। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, साइन पाई बाई थ्री और पाई बाई सिक्स है, इसका एलसीएम सिक्स, टू टू पाई प्लस पाई मतलब थ्री साइन थ्री पाई बाई सिक्स, ये टू कट गया मतलब साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू का वैल्यू वन, यानी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। अब 21 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। देखें टेन वर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए टेन वर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब देखिए टेन वर्स रूट थ्री माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री, यहाँ पे देख सकते हैं टेन वर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो टेन वर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई टू, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा पाई बाई टू। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं टेन वर्स एक्स प्लस टेन कॉट इनवर्स वाई बराबर आपका पाई बाई टू, यहाँ पे ऑप्शन मिल नहीं रहा, हो सकता है कहीं क्वेश्चन में इरर होगा या कहीं गलत उतर गया होगा, लेकिन पाई बाई टू आपका सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एवं चैनल पर जो भी नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें। और आपको बता दें कि अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन चालू होगा, जो काफ़ी शानदार तरीके से स्टार्ट होगा, इसलिए अभी तक जो भी छात्र इस चैनल से नहीं जुड़े हैं सभी छात्र को शेयर करके बताएँ कि अगला टॉपिक डिफरेंशिएशन चालू होने वाला है। धन्यवाद।